नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे भारत 24, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की 5 दिन की रिमांड मांगी है, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट किसी भी समय अब से थोड़ी ही देर में फैसला सुनाएगा। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि केजरीवाल से हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। सीबीआई ने दावा किया है कि केजरीवाल ने कहा है कि आबकारी नीति के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं और सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई के दावों से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया कि मनीष सिसोदिया दोषी हैं। शराब घोटाले में अब सीबीआई के एक्शन के बाद केजरीवाल की रिहाई और भी मुश्किल होती हुई नजर आने लगी है। केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले ने ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को उन्हें जमानत दे दी थी। ईडी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर स्टे लगा दिया गया और इसी फैसले को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी। लेकिन इससे पहले ही एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने उस पिटिशन को विड्रॉ कर लिया, तो दूसरी तरफ आज सीबीआई ने इस मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया। अब केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ली है, यानी कि ईडी एक तरफ, सीबीआई है और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ रही हैं। लेकिन सवाल बहुत हैं और आज उन्हीं सवालों की करेंगे चर्चा। उससे पहले इस मामले में प्रतिक्रियाएं क्या आई, आपको वो सुनवाए। सीबीआई तथा कथित शराब घोटाले की मनगढ़ंत शराब घोटाले की 2 साल से जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि फाइनल चार्जशीट 3 जुलाई तक दाखिल कर देंगे, उसके पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी। जांच पे जांच, जांच पे जांच, झूठ पे झूठ। और भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, अगर इतनी नफरत हम लोगों से है, आपातकाल तो तुमने देश में लगा ही रखा है, कहीं चौराहे पे खड़ा करके हम सबको गोली मार दो, एक बार में समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसे गंदा खेल मत खेलो। मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल से पूछताछ सीबीआई द्वारा की जाएगी और सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार लेना, संजय सिंह, इन सबको अब कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि सीबीआई जिस शिकायत पे काम कर रही है वो कांग्रेस ने ही की थी। तो अब इनको ये पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि आपने हमारे साथ जब अलायंस किया था तो फिर इस शिकायत को वापस क्यों नहीं लिया था, और अगर आपने अपराध किया है तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी और हर अपराधी को उस जांच के लिए तैयार भी रहना चाहिए। आइए कुछ सवालों को आपके सामने रख देती हूं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल आज दहाड़ में रहेगा कि सीबीआई का शिकंजा अब केजरीवाल का क्या होगा। सीबीआई की गिरफ्त में केजरीवाल, खुलेंगे घोटाले के राज। कौन है दिल्ली शराब घोटाले का आइडिया बाज? ईडी के बाद सीबीआई गिरफ्तारी पर सियासी पारा हाई। मुख्यमंत्री पद से अब क्या इस्तीफा देंगे केजरीवाल?